एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब माने होता है दोस्तों ऊंचाई, शीर्षलंब दिया है 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज देखिएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। और यहाँ पे शीर्षलंब माने ऊंचाई, इसका दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर दिया है। यदि दोस्तों हमें इसका भुजा पता चल जाए, हमें क्या पता चल जाए? इसकी भुजा पता चल जाए तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यह जानते हैं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई h बराबर क्या होता है? करड़ी में 3/2 गुणते भुजा। ये सूत्र होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब का, करड़ी में 3/2 गुणते भुजा। तो यहाँ h का मान कितना है दोस्तों? 15। तो इसको हल करेंगे, करड़ी में 3/2 और गुणते a का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 × 2 = 30, तो 30 बटा करड़ी में 3 आ गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? भुजा आ गया यहाँ पे 30 बटा करड़ी में 3 आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 गुणते भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसमें मान रख देंगे दोस्तों, करड़ी में 3/4 गुणते भुजा। भुजा का मान कितना आया था दोस्तों? भुजा का मान आया था यहाँ पे 30 बटा करड़ी में 3 और गुणते 30 बटा करड़ी में 3 यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। करड़ी 3 से करड़ी 3 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर इसको 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 × 15 = 12, तो कितना आ जाएगा? 15 × 15 = 225। 225 बटा कितना आया? करड़ी में 3। 225 बटा करड़ी में 3, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों कितना? 225 बटा कितना? करड़ी में 3। जैसा कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? करड़ी 3 का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो करड़ी 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और करड़ी 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों कितना? 225 और करड़ी में 3 और बटा करड़ी 3 में, करड़ी 3 का गुणा करेंगे दोस्तों आएगा 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, तो 75 करड़ी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों? 75 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है।